Hello students, welcome to unansweronline.com. So today we will be doing vectors, and in vectors we will be doing scalar product or dot product. See, when we talk about dot product A dot B, there is a formula for that. It says magnitude of A, magnitude of B into cos of angle between the two, where A vector and B vector may be considered like this, having an angle of theta between them. तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि cos theta कितना होगा. It will be A dot B upon magnitude of A, magnitude of B. Now देखो, A vector में क्या होता है हमारे पास. Say, let me suppose that A vector can be written as A1i plus A2j plus A3k. ठीक है युवराज सर. हाँ जी बेटा सर, एक मिनट हो गया, मैं हैंग हो गया लिख. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखो अब आप. सो लेट अस थिंक, लेट अस से दैट ए वेक्टर इज ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के एंड बी वेक्टर इज बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के. Then A dot B can be written as A1B1 plus A. ऐसा इसलिए होता है because I dot I is equal to 1, J dot J is equals to 1, K dot K is equals to 1, I dot J is equal to 0, J dot K equals to 0, K dot I is also equal to 0. देखो आई जे के क्या है, ये दीज आर वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो जब मैं कहता हूं आई डॉट आई, इट मींस आई एम टेकिंग टू यूनिट वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन विच हैव जीरो डिग्री एंगल बिटवीन देम. तो इसलिए जब मैं आई डॉट आई लिखता हूं तो इट बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉज ऑफ थीटा बिटवीन देम, और थीटा यहां पे जीरो हो जाता है और कॉस जीरो कितना होता है आपका वन. तो इसलिए ये हो जाता है वन डॉट वन एंड वी गेट वन एज आई डॉट आई. सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप और के डॉट डॉट के कैप इज ऑल्सो इक्वल टू वन. और जब मैं बात करता हूं आपका आई डॉट जे क्या हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे into cos of angle which is 90 degree in this case. देखो I और J के बीच में 90 degree है, इसलिए cos 90 zero होता है, तो I dot J हो जाता है zero because cos 90 is zero. This projection of one vector or another vector, say projection of A vector on B vector. So let us suppose here we have B vector and there is A vector over here. Now when we project this A vector on B vector, it means we are just coming down perpendicularly from this vertex towards B vector. तो ये O ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं, ये point B है. So what we need to find the projection of A on B. It means we need to find O से लेकर के और इस पार्टिकल पॉइंट से C तक का डिस्टेंस और लेंथ. सी हियर, इफ आई टेक एंगल बिटवीन देम एज थीटा, देन OC अपॉन OA मैग्नीट्यूड इज व्हाट कॉज ऑफ थीटा. ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हमारे पास OA अपॉन OC जो है वो हो जाएगा आपके पास कॉज ऑफ थीटा. तो OC अपॉन A वेक्टर मैग्नीट्यूड इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह अगर हम रिकॉल करें फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कॉस थीटा था A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. यहां से आप इसको काट सकते हैं, तो OC आपके पास आ जाएगा A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B. नाउ व्हाट इज OC? OC इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर. तो अब एक फॉर्मूला बन गया, प्रोजेक्शन ऑफ A vector on B vector means A dot B upon magnitude of B. तो जिसके ऊपर product आप कर रहे हैं projection,
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, सो दैट विल बी सिंपली बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कॉपी इट, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 10.3। Question number 1, find the angle between the two vectors A and B whose magnitudes are, so magnitude of A diya hua root 3, magnitude of B diya hua aapka 2, and we need to find the angle between them, and A dot B is also given as root 6. So we know that cos of angle between them is A dot B upon magnitude of A, magnitude of B. तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहां पर रूट सिक्स, यहां पर रूट थ्री और साथ में टू, और इन प्लेस ऑफ सिक्स आई कैन राइट रूट थ्री इंटू रूट टू और नीचे रूट थ्री, और टू की जगह लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, सो दैट सब कुछ कट जाए, रह गया सिर्फ वन अपॉन रूट टू, और वन अपॉन रूट टू कॉस थीटा की एक्सटेंडेड वैल्यू होती है एट 45 डिग्रीज, तो कॉस थीटा हो गया 1 by root 2, तो थीटा हो गया आपका 45 degrees, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट इट इज पाई बाई 4 radians। कॉपी कर लो बेटा। सी इन क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू वेक्टर्स, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हम क्या करते हैं पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्या होगा डॉट प्रोडक्ट युवराज? So, हो जाएगा आपका 3 + 4, 10 हो जाएगा, 3 + 4 + 3 10 हो जाएगा, गुड, तो ऊपर आ गया 10 और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है आपका ए का हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना ना, हाँ 14, बी का 9 + 4 9 + 4 + 1 ये भी रूट 14, तो वी हैव रूट 14 टाइम्स रूट 14, तो 14 हो गया नीचे, तो 10 अपॉन 14 कितना हो गया 5/7, अब ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो आप कैसे लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 5/7, एंड यू विल लीव इट एज सच, कुछ और करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको, ठीक। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i + 3j + 7k ऑन दिस वेक्टर, सो देयर इज अ फॉर्मूला, लेट अस टेक दिस एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, and there is a formula for projection of vector A on B, which is A dot B upon magnitude of B. This is the formula for projection of vector A on vector B. So here we have A dot B, that is A dot B will give you 7 - 3 + 7 = 56 over magnitude of B, that will be under root of 49 + 1 + 56, and that will be 49 + 1 + 64, so that will give you 60 over under root of 114. Now see in question number 8, we need to find the magnitude of A and magnitude of B, and both of them have the same magnitude, and A dot B is 1/2 and angle between A and B is 60 degree. देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे A dot B का, वो हो जाएगा magnitude of A into magnitude of B into cos of angle between them. तो यहाँ पे cos theta की जगह cos 60 degree लिख देता हूँ मैं, ये हो गया आपका 1/2 और magnitude दोनों equal हैं, तो let us write it as magnitude of A का square कर देते हैं into 1/2. इसका मतलब magnitude of A का square आ गया आपके पास 1. So magnitude of A हो जाएगा आपके पास 1, which is also same as magnitude of B. कर लो बेटे। Now see in question number 10, A, B, C vectors are given, and it is also given that A plus lambda times of B is perpendicular to C. तो सबसे पहले हम निकालते हैं what is A plus lambda times of B.
ए टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, इट मींस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ जे एंड प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ के। और सी वेक्टर दिया हुआ आपके पास ये। नाउ अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इट मींस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? जीरो। इट इंप्लाइज जब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा टाइम्स 3, ये 3 इंटू दिस हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा एंड प्लस 0 टाइम्स ऑफ 3 प्लस लैम्डा हो गया विच शुड गिव यू 0। इट इंप्लाइज 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू 8 आ गया। Now see in question number 13, we have three vectors A, B, C which are unit vectors. Unit vectors हैं, इसका मतलब इनका magnitude क्या होना चाहिए? Zero. One होना चाहिए. And unit means one. And इनका आपको sum दिया हुआ zero. We need to find this. देखो sum zero दिया हुआ है. A plus B plus C का जो magnitude है, वो क्या हो जाएगा zero? Because sum is zero. Yes, sir. Now, अगर मैं a plus b plus c का स्क्वायर करूं, so that should be a plus b plus c dot a plus b plus c. Yes, sir. Why? Because x dot x vector is equal to magnitude of x का स्क्वायर. तो यहां इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा बिकॉज ये जीरो, इनका सम जीरो है और इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। लेकिन इधर क्या हो जाएगा ए डॉट ए, ए डॉट ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी में हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर एंड प्लस बी डॉट सी अगेन आगे आ जाएगा सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी और सी डॉट सी फिर से हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। नाउ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी वन है बी भी वन है सी भी वन है इसका मतलब वन प्लस वन प्लस वन ये हो गया थ्री। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी है ना बिकॉज वी नो दैट ए डॉट बी सेम एट बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट तो दोनों का सेम होता प्लस बी डॉट सी और सी डॉट बी ये भी दोनों सेम है तो इसको ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी लिख देते हैं उसी तरह से ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए लिख देते हैं। अब टेकिंग थ्री टू अदर साइड वी हैव माइनस थ्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए राइट। वो जो ट्वाइस है इधर उसको आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाओ तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 15 वी नीड टू फाइंड एंगल एबीसी एंड एबीसी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्राइंगल वी नीड टू फाइंड दिस एंगल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम निकालेंगे बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर। नाउ यू नो दैट बी ए वैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट। No, BA वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे OA माइनस OB पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस माइनस 1 सो I 2 माइनस 0 टाइम्स ऑफ J प्लस 3 माइनस 0 टाइम्स ऑफ K सो AB वेक्टर विल बी 2I प्लस 2J प्लस 3K। डॉट प्रोडक्ट तो बाद में निकालेंगे बेटे। Then we find BC vector. BC vector क्या हो जाएगा? 0 minus minus, so it's plus 1 times of I, 1 minus 0 times of J, plus 2 minus 0 times of K. So that gives you 1I, plus 1J, plus 2K.
नाउ वी हैव बी सी वैक्टर एंड बी ए वैक्टर. तो अब हम कॉज ऑफ एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं तो कॉज ऑफ थीटा विल बी बी ए डॉट बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी. और बी ए का वैक्टर क्या होगा यहाँ पर, दिस वन बी सी ए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2 + 2 + 6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर विल बी 4 + 4 + 9 एंड ये 1 + 1 + 4. आई थिंक मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही है अब आपको ना. ऊपर हो जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 8 + 9 = 17 और 6, तो 17 6 था 102, तो अंडर रूट ऑफ 102. देयर फोर थीटा विल बी कॉज इनवर्स ऑफ 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 102 एंड दैट इज रिस्पेक्टिव. थ्री गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट. सो इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं. आप ए बी वैक्टर क्या होगा, 2 - 1 टाइम्स ऑफ आई प्लस 6 - 2 टाइम्स ऑफ जे प्लस 3 - 7 टाइम्स ऑफ के, दैट इज आई प्लस 4j - 4k. सिमिलरली अगर मैं बी सी वैक्टर निकालता हूं तो क्या हो जाता है, 3 - 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस 10 - 6 टाइम्स ऑफ जे -1 - 3 टाइम्स ऑफ के, विच इज ऑल्सो सेम. नाउ हियर वी सी दैट अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियोस ले लेता हूं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो वी कैन राइट दैट a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2. या फिर आप ये लिख दो, हियर ए बी वैक्टर इज 1 टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर. Yes. It implies AB vector is parallel to BC vector. But B is a common point. B is a common point. It implies A, B, C are collinear. कर लो बेटा. See in question number 18, we are given that A is a non-zero vector of magnitude A, so let us take this as A, and lambda is a non-zero scalar vector, यानी कि कोई constant है, then lambda is a unit vector. Lambda unit vector कब होगा ये हमें निकालना है, तो lambda A unit vector है, it means it's a magnitude 1 हो गया, it means we have magnitude of A into magnitude of this is equal to 1. Yes. अब ये vector तो है नहीं कि मैं इनके बीच में cos of angle भी लिख दूं, तो ये हो जाएगा magnitude of A into A which is equal to 1. मैंने magnitude of A की जगह A लिख दिया सिर्फ. देन हमें कंडीशन ढूंढनी है, इट इंप्लाइज A हो गया आपका 1 अपॉन लैम्डा मैग्नीट्यूड, दैट इज ऑप्शन डी, राइट.